राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कश्मीर पर बोलते हुए कहा कि ऐसे लोग जो संसद में संविधान की प्रतियां फाड़ते हैं, राष्ट्रध्वज जलाते हैं, उनकी जगह या तो पाकिस्तान में है या फिर कब्रिस्तान में। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे अमर सिंह ने कहा कि अतीत के ऐतिहासिक भूल के कारण पृथ्वी का एक स्वर्ग नर्क बन गया था। मुट्ठी भर राजनेताओं ने कश्मीर को उन्नति से वंचित कर रखा था, अब जब वो मुक्त हो गया है तो उसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस भी इस विरोध में शामिल है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के विरोध में कांग्रेस और पाकिस्तान के सुर एक हैं। कांग्रेस भी एक ऐतिहासिक दल है और अपने देश के किसी भी दल के बारे में जिसका इतना गौरवशाली अतीत हो उसकी आलोचना करने में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है और मैं कहने के लिए बाध्य हूँ कि कांग्रेस की भाषा और पाकिस्तान की भाषा कुछ ऐसी है कि पंडित भीमसेन जोशी का वो प्रसिद्ध गायन याद आता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये विचित्र बात है कि 370 में कितने प्रतिबंध थे कश्मीर की, वह भारत जहाँ नारी को प्रदर्शन का विषय नहीं माना जाता था, भोग्य नहीं माना जाता था, जहाँ स्वयंवर होता था वहाँ पुरुष सच धस के आते थे और नारी अपने मन से अपना पति चुनती थी। उस भारत में कश्मीर की हमारी बेटी को बहन को यह अधिकार नहीं था कि वह अपना पति कश्मीर के अलावा भारत में कहीं चुने, अगर वो ऐसा करती तो वह अपनी कश्मीरियत उसकी ख़त्म हो जाती। हमारा एक देश, एक संविधान, एक ध्वज होना चाहिए, एक राष्ट्रगान होना चाहिए, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भगवान। लेकिन वहाँ पर दो ध्वज, दो संविधान, देश की मुख्य धारा से पृथक और झूठी आज़ादी के फरेब पर कुछ चंद मुट्ठी भर राजनेता और तथाकथित आंदोलनकारी आतंकवादी, उन्होंने कश्मीर की जनता की उन्नति को और उस उन्नति से उनको वंचित रखा। एक झटके से जिस तरह से मुझे इस बात का गर्व है कि इस ऐतिहासिक भूल के समय तो हमारी पैदाइश नहीं हुई थी, लेकिन इस ऐतिहासिक सुधार के समय हम राज्यसभा में थे और इसके पूर्व मुझे कहने में कोई झिझक नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी को तो नेता मानता था लेकिन अमित शाह जी को उनका एक कट्टर प्रबल अनुयायी के अतिरिक्त और कुछ नहीं, लेकिन आज के दिन मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस पूरी घटना के बाद प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से और क्रियान्वयन की दृष्टि से जिस तरह से उभर करके अमित शाह सामने आए हैं वह भी नरेंद्र मोदी जी के बाद देश के बड़े कद्दावर नेता के रूप में उभरे हैं और पूरे देश को उन्हें भी नेता मानने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने ये दिखाया है कि गृह मंत्री कैसा होता है और कैसा होना चाहिए।